कि अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में किसी को जर्रा बराबर शरीक ना ठहराया जाए। और अगर कोई शिर्क करते करते मर गया और उसने तौबा नहीं किया अपने शिर्क से, तो उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। उसके अलावा और जितने गुनाह हैं, कबाइर जितने भी गुनाह हैं, अगर उनका मुर्तकी बगैर तौबे के मर गया तो अल्लाह की मशीयत के तहत है, वो चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो सजा दे करके फिर उसे जन्नत में दाखिल कर दे। ऐसे ही जो अल्लाह के हुकूक हैं वो अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर दे, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं उनमें बंदों से मुआफ़ी ज़रूरी है। अब ये अल्लाह पर है कि अल्लाह ताला जिसके हुकूक हैं उनके दिल में शफ़क़त और रहम डाल दे, अपनी तरफ से उनको इतना नवाज दे कि वो भूल जाए, वो अल्लाह के ऊपर है। और शैतान का काम यह है कि वो गुनाहों पर झूठी तसल्लियाँ, आरज़ुएँ, उम्मीदें और वादे वाइद करता रहता है ताकि वो इब्ने आदम जो है मजीद गुनाहों में डूबता चला जाए और आखिर में पता ये चलता है कि उसने साथ छोड़ दिया।